तो दंतेवाड़ा में रेस्ट हाउस में रूम नहीं मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कलेक्टर के बंगले के बाहर ही बस में रात गुजारने पर अड़े रहे। हालांकि बाद में अजीत जोगी को दंतेवाड़ा ट्रांजिट हॉस्टल के सामने बंगला दे दिया गया। इससे पहले जोगी ने दंतेवाड़ा कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा पर मुख्यमंत्री के रिश्तेदार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि दबाव में आकर टोपेश्वर वर्मा ने रूम देने से इनकार कर दिया। जोगी के मुताबिक एनएमडीसी सीएमडी बेजेंद्र कुमार ने रूम देने के लिए कहा था, लेकिन दंतेवाड़ा कलेक्टर ने इनकार कर दिया। इधर कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा का कहना है कि जेड और जेड प्लस कैटेगरी के सुरक्षा वालों को ही बंगला दिया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री योगी को इस कैटेगरी की कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं है, इसलिए सरकारी बंगला उन्हें नहीं दिया जा सकता। देखिए, मैं वर्तमान में विधायक हूँ, पहले मुख्यमंत्री भी रहा हूँ, मैंने जिलाध्यक्ष को पहले से फोन पर भी बात कर दी थी, अपना अधिकृत कार्यक्रम भी भेज दिया था, पर पहले मुझे कहा था कि एनएमडीसी में मेरे ठहरने की व्यवस्था की गई है, पर अभी यहाँ रात को मैं पहुँचा तो बोल रहे हैं कि तीन तीन कमरे खाली हैं, पर फिर भी आपको नहीं मिलेगा। मेरी चेयरमैन से बात हुई हैदराबाद, श्री बैजन कुमार आईएएस से, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास तीन कमरे खाली हैं, पर जिलाध्यक्ष ने मना किया है, हम आपको नहीं देंगे। तो अब इतनी रात को तो मैं कहीं और जा नहीं सकता हूँ। यहाँ के किसी होटल में मैं दिव्यांग हूँ, इसलिए मेरे कोई स्पेशल कमोड वाला बाथरूम लगता है, कोई कमोड वाला बाथरूम का होटल भी नहीं है, इसलिए मेरी इस कार में सोने का इंतजाम है, टॉयलेट का इंतजाम है, नहाने का इंतजाम है, तो रात यहीं रहूँगा मैं। जोगी जी, दंतेवाड़ा काफी संवेदनशील इलाका है, जिस तरीके से जेट प्लस सुरक्षा वालों को हाई प्रोटेक्ट एरिया दिया जा रहा है, सभी को यहाँ पर मतलब सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही, तो आपको क्या लगता है कि आखिर आपको ये सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही? मेरे डरते हैं मुख्यमंत्री, उनको लगता है मैं यहाँ रह जाऊँगा तो कांग्रेस की हार सुनिश्चित है, तो पहले तो मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया कि वो यहाँ ना पहुँच पाए, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो वो चाहते हैं कि यहाँ से निकल जाए, यहाँ कहीं ठहरने की जगह ही ना दो, तो अपने आप मजबूरी में चले जाएंगे, पर मैं कैसे अपने इतने अच्छे उम्मीदवार को छोड़ कर जा सकता हूँ। मैं सुजीत कुमार के साथ यहीं रुका हुआ हूँ, पाँचों दिन यहीं सोऊंगा, इसी गाड़ी में सोऊंगा। इसी जगह का चयन किसी किया, शहर में और भी जगह है जहाँ आपकी गाड़ी खुली सकती है? सबसे अच्छा लगा खुले में है, अच्छी जगह कलेक्टर का बंगला है, सुरक्षित भी है। हाँ, और किस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने मतलब बैजेंद्र कुमार जी को दबाव दिया कि आपको मतलब बैजेंद्र कुमार तो अभी भी देने को तैयार है, बैजेंद्र कुमार से मैंने तीन बार फोन करवा दी है, उन्होंने कहा हमारे तीन तीन कमरे खाली है, हम अभी भी जगह को तैयार है, पर जिलाध्यक्ष ने मना किया। किस पार्टी के जिलाध्यक्ष ने मना किया? कलेक्टर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा कलेक्टर जिला दंतेवाड़ा ने, वो कलेक्टर दंतेवाड़ा शेख वर्मा नाम है, जो भूपेश बघेल जी के रिश्तेदार थे, उन्होंने फोन पर उनको कहा कि अजीत जोगी को मत देना,